बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने परकाला वाकई में जख्मी पार्टी कारकुनान की इयादत की और कारकुनान को तहफ़ फराहम करने का यकीन दिलाया। भारत राष्ट्रीय समिति के चलो मेदी गड्ढा प्रोग्राम के तहत मेदी गड्ढा जाने वाले बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने परकाला वाक़े में जख्मी होने वाले पार्टी कारकुनान की इयादत की। दरिया स्नान उन्होंने पुलिस अफसरान के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए वरंगल के एसपी अंबर किशोर झा से फोन पर रब्ता किया। उन्होंने पूछा है कि क्या जय तेलंगाना का नारा लगाने पर पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करेगी। केटीआर का कहना है कि पुलिस वाले जोश का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाइयों के खिलाफ अदालतों और इंसानी हकूक की तंजीमों से रुजू किया जाएगा। बीआरएस एमएलए ने जख्मी कारकुनान की आदत करते हुए उनकी हौसला अफजाई की और पार्टी कारकुनान को तहफ़ फराहम करने का यकीन दिलाया। हम लोग तो नहीं छोड़ने वाले हैं उसको। अब एसीपी ने कापाड़ुनामनुकुंटुन्नारु ఒకటి రెండోది ఇవాల మేము వరంగల్ కు వస్తుంటే వాళ్ళని కలవనీయకుండా చేయడం ఏంటి మమ్మల్ని? హౌ కమ్ దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు మీట్ us? आपके पुलिस वाले आके डराते हैं, धमकाते हैं, ये काम की रीत है? हमारे कार्यकर्ता हमसे मिलना है, हमारे लीडर हमसे मिल रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है आपके पुलिस को? श्रीनिवास गौड़ बोल के जिसको बहुत ज्यादा मारा है उसको आज हाउस अरेस्ट कर दिया, ये क्या रीत है? क्या तानाशाही है? क्या चल रहा है? अंबर जी सुनो, एक बात सुन लो, सत्ता बदलते रहता है, ओक पार्टी ओक रोज उंटदि इंको पार्टी इंको रोज उंटदि, मीरु चट्टं प्रकारं न्यायं प्रकारं पनि चेयालि। आ श्रीनिवास गौड अंटे आयन हिंदू पौजारि चेयालि अनुकुंटुन्नारु, चेक चेयंडि मी वाळ्ळु, नेनु मी बाध्यत मी तप्पु अंटलेनु, कानी मी एसीपीलु सीआईलु एसईलु इंत ओवर याक्षन् चेयडं मंचिदि कादु ब्रदर्। इदि ई हमको भी जाना पड़ता है, एचआरसी जाना पड़ता है, हमको भी हंगामा करना पड़ता है, अगर ऐसे ही करेंगे हम। आपके लोगों को संभालो अंबर जी, ये ठीक बात नहीं है, संभल लो और एसीपी को एसीपी से भी बात करो, जास्ती नहीं करने को बोलो उसको। अरे आज मामले कलो नहीं जेड में खत्म कर दो, प्लीज डू प्लीज डू चलो मेरे को।